नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की नजीब जंग से मुलाकात, जंग के बेहतर भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। अब किरण बेदी बन सकती हैं दिल्ली की नई एलजी। बीएस बस्सी और अनिल बैजल का नाम भी रेस में आगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अल्मोड़ा में करेंगे रैली। नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरेंगे राहुल। उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेता अतीक अहमद ने गुंडागर्दी को बताया इंसाफ। सीएम अखिलेश को दी चुनौती, कहा टिकट काटा तो बना लूंगा अपना टिकट। वडोदरा में शराब पार्टी करते पकड़े गए करीब 200 उद्योगपति। हाई प्रोफाइल पार्टी में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर चिरायु अमीन भी शामिल। गुजरात में पूर्ण रूप से बंद है शराब। सुसाइड नोट से सुलझी जयपुर में एटीएस के एसपी आशीष प्रभाकर की मौत की गुत्थी। महिला को गोली मारकर खुद को मारी गोली। नोट में महिला पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। और सीरिया के अलेप्पो में सरकार और सेना को बड़ी कामयाबी। 4 साल बाद सरकार के नियंत्रण में अलेप्पो। सेना और विद्रोहियों के बीच लड़ाई में अब तक 3,10,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।